हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. और वैसे तो अभी गुड मॉर्निंग ही है ऑफिशियली. अभी बन रहा है खाना. मतलब आजकल मैं सुबह सुबह ही बना लेती हूँ, बिकॉज दिन से रूटीन ज़रा डिस्टर्ब हो गया था. और अब क्या, अनिका का जो स्कूल है उसकी हॉलीडेज हो गई हैं, समर वेकेशन. सो अब पूरा जो रूटीन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है. लेकिन आज मैं अच्छा फील कर रही थी तो मैंने सोचा चलो खाना बना लेते हैं, लंच बना लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा. सो आई एम हियर फॉर द लाइफ अपडेट. क्विक लाइफ अपडेट है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी. एंड आप लोगों को मैंने अपडेट किया था कम्युनिटी पे कि मेरा जो फ़ोन है उसका सेल्फी कैमरा, रियर कैमरा ख़राब हो गया था. फाइनली कल सेट होकर के आ गया है तो मैं आज ब्लॉग बना पा रही हूँ. मतलब सेल्फी में बात कर पा रही हूँ, आप सबसे बात कर पा रही हूँ, रिकॉर्ड कर सकती हूँ. वैसे कर सकती थी बैक कैम से, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अकेले ऐसे ऐसे करके. ऐसे ऐसे नहीं आता समझ, छोड़ दो, लीव इट. जब होगा अच्छे से करेंगे. और मैं अच्छा भी फील नहीं कर रही थी, बिकॉज मैंने आपको बताया ही था कि हमारे घर में चीकू, अनिका, मैं खुद भी, हम सबको वायरल फीवर हो रखा था, इन्फेक्शन हो रखा था. एंड उसके साथ कोल्ड कफ भी हो गया. बहुत गंदी वाली हालत हो गई थी भाई मेरी. तो बच्चे तो ठीक हो गए थे, एंड में मैं बहुत सफ़र करी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी. और मैंने अपडेट भी किया था. सो सब भी बन रही है. सो हुआ क्या कि एक दिन, मतलब कुछ दिन पहले की बात है, अभी आपको मैं दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें हुई. सो अनिका स्कूल से घर आई और शी वॉज फीलिंग बिट डिहाइड्रेटेड, कि उसे थोड़ा सा अजीब सा एग्जॉस्ट सा फील हो रहा था. मुझे लगा ऐसा तो नहीं कि सनस्ट्रोक हो गया है, बाहर इतनी गर्मी हो रही है, एंड देन अचानक से वेदर भी चेंज हो गया था बहुत ज़्यादा. तो शी वॉज फीलिंग लाइक लिटिल फीवरिश. उसे थोड़ा सा कफ भी लग रहा था एंड बहुत सारा डिफरेंट सिम्टम्स थे. मैं घर में लेकर के आई जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि उसे हाइड्रेशन प्रोवाइड करना, उसे रेस्ट देना, उसे कंफर्टेबल क्लोथ्स देना, ये सब मैंने देने के बाद में वो सो गई. देन उसके बाद में उसे फीवर आया. हमने बिना किसी देरी के कि यार ये क्या हो रहा है उसकी बॉडी में, डॉक्टर से कंसल्ट किया. डॉक्टर ने बोला इट इज़ अ बेसिक नॉर्मल वायरल फीवर, फीवर है वो चला जाएगा. पैरासिटामोल मैंने पहले ही दे दी थी तो काफ़ी रिड्यूस हो गया था. 102 एंड अबव था उसका फीवर, तो रिड्यूस हो गया था, मतलब 100 हो गया था. तो फिर ये पैरासिटामोल जो होती है ना, घर में हमेशा रखो, बच्चों के लिए ड्रॉप्स आती हैं, बहुत सही होती हैं. 1 ml तक आप नॉर्मल छोटे बेबीज को दे सकते हो अंडर 1 ईयर, देन उसके बाद में डोजेस आप बढ़ा सकते हो. 2 ml, 2.5 ml एंड 5 ml तक बड़े बच्चों को दिया जा सकता है. तो मैंने सिर्फ 3 ml ही दिया, उसमें ही काम हो गया, फीवर कम हो गया था. कोल्ड में भी काफ़ी असर पड़ा था एंड अनिका एक्टिव हो गई थी. बच्चे एक्टिव होते हैं ना तो डरने की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं. अगर बच्चा लेजी है, सोया ही जा रहा है, या उसे बॉडी के किसी हिस्से में बहुत दर्द हो रहा है और सर में बहुत दर्द हो रहा है, देन इट मीन्स कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है और आपको चिंता की बात है. जब तक आप टेंशन मत लो, आपका बेबी अगर एक्टिव है तो एंड नॉर्मल है, खेल रहा है, खा पी रहा है. सो अनिका भी खा पी रही थी. जो टेस्ट वगैरह होता है वो तो डिस्टर्ब हो ही जाता है यार, फीवर में सबका ही हो जाता है, तो उसका भी हुआ. तो फिर वो धीरे धीरे सेटल हो गया, 2 से 3 दिन में सेटल हो गया. बॉडी में पेन उसे बहुत ज़्यादा था, लेग्स में पेन बहुत ज़्यादा था, तो हमने उसे मसाज वगैरह दिया और नॉर्मल बाथिंग रूटीन से ही वो सही हो गई थी. लेकिन उसके बाद इमीडिएटली ये जो था फीवर, 3rd day चीकू को ट्रांसफ़र हो गया. उससे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, कोल्ड कफ सब हो गया, मोशंस भी हो गए. और शायद उसकी ऊपर की टीथ है ना वो आ रहे हैं, तो कभी कभी आते हैं अचानक से, ट्रिगर हो जाता है और फिर बहुत क्रैंकी हो जाती है, फिर अपने आप सेटल हो जाता है. हमें कुछ नहीं करना होता है. नॉर्मल जो उसके कैल्शियम वगैरह, वाइटमिन डी वगैरह सब चल रही थी, वही चल रही है. टीथिंग ट्रबल जो मेडिसिन थी होम्योपैथी वाली, वो भी मैं रोज़ नहीं दे रही हूँ, ऑल्टरनेट डेज में पानी में मिला करके उसे दे देती हूँ. सो भी इतने मेजर सिम्टम नहीं है, तो मुझे भी लगता है कि जब नहीं है तो लेट इट बी नेचुरल, ना अपने आप आ जाएंगे जब आना होगा. जब उससे परेशानी होती है ना तभी मैं कुछ करती हूँ, चाहे वो होम रेमेडीज़ हो या फिर मेडिसिंस हो या फिर कोई और फर्दर ट्रीटमेंट हो. जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं मेरे बेबी को नीड है, तभी मैं देती हूँ. मैं बिल्कुल परेशान नहीं होती. यार देखो ये सब चीज़ें हैं ना बेबी की डेवलपमेंट में, सब नेचुरल माइलस्टोन है, अपने आप अपने समय से आएंगे. ऐसा नहीं कि हम मैजिक कर देंगे और 4 महीने बाद की चीज़ पहले आ जाएगी, 2 महीने बाद की चीज़ हमारे पहले हमें मिल जाएगी. इतना क्या है, आराम से करने दो. एंड अभी सब कुछ ठीक है. चीकू वो ख़राब हुई उसकी तबीयत, तो उसके बाद फिर मुझे ये चीज़ नेक्स्ट डे मुझे भी ट्रांसफ़र हो गया. और क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्जॉस्ट थी, सफल यहाँ नहीं थे 5 डेज के लिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, मैं बहुत सारा काम कर करके एकदम परेशान हो गई थी, तो मैं ऑलरेडी एग्जॉस्ट थी. देन उसमें मुझे फीवर भी हो गया, वायरल भी हो गया, कफ भी हो गया. पहले वायरल हुआ, देन कफ हुआ, देन बॉडी एक हुआ और पता नहीं क्या क्या हुआ मेरे साथ में. मूड स्विंग्स तो चल ही रहे थे बिकॉज मेरे पीरियड्स भी आने वाले थे, थोड़ा सा डिले हुए पीरियड्स, देन उसके बाद में आए. सो ये बैक टू बैक इतना सारा ना एक साथ ही हो गया सब कुछ. सो मैं यार अभी तक
अब जाके थोड़ा सा रिलीफ मिला, नहीं तो अंदर से ऐसा लगता था यार किसी ने कुछ एकदम निकाल दिया है बॉडी से बाहर, क्या है ऐसे हवा का झोंका यहाँ वहाँ चल रहा है। और खाना पीना भी प्रॉपर नहीं हो पाया, बस फ्रूट्स के सहारे जिंदा थी मैं। एंड मेरा तो टेस्ट बहुत बुरा डिस्टर्ब हुआ, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था, मुझे पानी भी नहीं अच्छा लग रहा था, इतना बुरा टेस्ट हो गया था। फाइनली अब जा करके हम सब सही हुए हैं, ऑलमोस्ट टच वुड, वुड किधर है टच वुड, और आगे सब अच्छा ही होना चाहिए। और आज है 6th of May, yes 6th of May है आज, और probably आपको आज ये vlog मिल जाएगा या फिर कल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अंडर का बर्थडे है। अब नेक्स्ट 2 days में आई डोंट थिंक सो कि मैं कोई vlog रिकॉर्ड करूंगी, सीधे बर्थडे vlog ही रिकॉर्ड करने वाली हूँ। तो अभी तक की जितनी प्रिपरेशन थी वो सब हो गई है, मैंने आपको अपडेट कर ही दिया था, और भी कुछ होगा तो मैं आपको कम्युनिटी पे अपडेट करती रहूंगी। ऑल्सो हम कम्प्लीट कर रहे हैं, इनको गोदी में आना है, गोदी में आना है, पर हम इनको गोदी में नहीं ले सकते, क्या करें, कैमरे में देखना है इनको, कैमरे में देखना है। नहीं दिखाना चाहती हूँ। Hey अनिकु, अनिका, nice अनिका। देखो दीदी क्या रेडी है, दीदी क्या रेडी है। तुम्हारे जो दो दांत है ना। Back to back video आज शूट किए और बहुत थक गई सच में। सब लोग सो गए, चीकू नन्नू दोनों लोग सो गए हैं, और हम बाहर से आए और अभी लाइक मैं बहुत थक गई हूँ। संडे ऐसे बीत जाता है ना, पता नहीं चलता, मेरा तो कभी संडे आता ही नहीं है, और मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है ना, मुझे पता नहीं कितने दिन का वेकेशन चाहिए, मतलब वेकेशन, मुझे कोई काम नहीं करना है, फ़ोन नहीं छूना है, यूट्यूब नहीं चाहिए, घर का काम नहीं चाहिए, खाना पीना कुछ नहीं करना, बच्चे तो बिल्कुल नहीं संभालने। मुझे ऐसा लगता है ऐसा मोमेंट हर एक नई माँ के लाइफ में आता होगा। मुझे ऐसा लगता है कि 7th-8th month के बाद में ये जो एक शॉर्ट टर्म वाली फ्रस्ट्रेशन है ना, ये माइंड में जरूर जनरेट होती होगी कि नहीं, काश ऐसा होता कि इन सब चीज़ों से हमें छुट्टी मिल जाती। और जब वो छुट्टी मिल जाती है ना, तो आप इन्हीं सब चीज़ों को मिस करते हो कि अभी हम ये करते, अभी हम अपने बच्चे को ऐसे करते, अभी मैं इनके लिए खाना बनाते, अभी हम अपने लिए ये करते, अभी हमारे घर की चीज़ों को समेट रहे होते, आप इन्हीं सब चीज़ों को मिस करते हो। यही है यार, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड रियलिटी एंड फैक्ट ऑफ लाइफ। तो इन्जॉय करो जो भी चीज़ चल रही है लाइफ में, सब कुछ इन्जॉय करो। और मैं हूँ आपके साथ में ऐसे ही जैसे कि थी फॉर एवर। और जल्दी जल्दी गिव वे करते हैं भाई, टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी 100K तक पहुँचाओ, गिव वे चलने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, और मैं रिवील करूँगी कि क्या क्या होने वाले हैं सरप्राइजेस। एंड मिनी गिव वेज तो हैं ही ऑन द वे, सो जस्ट कीप डूइंग दैट। पलने में ऐसे ही झूलते रहे खुशियों की बहारों में घूमती रहे। ठीक हो जाएगा चिकू, ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा, पापा आएंगे, दवा लाएंगे, यार ठीक हो जाएंगे, एकदम ठीक हो जाएंगे, मम्मा भी ठीक हो जाएगी, बेबी भी ठीक हो जाएगी, छोटी सी प्यारी सी नन्नी सी आई कोई परी। ना ना ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा, नो 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 नो। अच्छा अच्छा, ये देखो दीदी ने बनाया है चिकू के लिए केक, वाओ। अरे मेरा बच्चा क्यूटू, मुझे आज सबका कुछ बताना। हाँ हाँ बताओ। मैं गैस नहीं छू सकती थी इसलिए मैंने ये वाला बनाया, वरना मैं खुद बनाती। वो भी गैस वाला, हमें चॉकलेट भी नहीं थी। बस ये बहुत ही ज्यादा प्यारा है, क्योंकि ये आपने बहुत प्यार से बनाया है अपनी छोटी बहन के लिए, है ना। और डु 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 डु, ये देखो ये क्या कर रहे हैं। हाँ फाइनली मेरा बच्चा। हाँ हालत तो देखो क्या हो रही है, अभी हम लोग की हालत भी खराब है, सबके सब बीमार चल रहे हैं, ऊपर से हमारी मेड वो भी बीमार हो गई, और आंटी जो हमारी आती थी
मेरे घर में शादी है। अभी ये वेजिटेबल पुलाव और यू कैन से तहरी और कुछ बनाने की हिम्मत नहीं है आज फाइनली। तो मैं बेड से उठी हूँ, मेरे फोन का सेल्फी कैमरा हो गया है खराब क्योंकि चीकू ने एकदम से फोन गिराया था व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग अ वीडियो और उसके बाद से वो सेल्फी कैमरा खराब हो गया, रियर कैमरा पूरा वो डिस्टर्ब हो गया, उसकी मोटर ही खराब हो गई और बस यही सब चल रहा है। अभी इसे खाएंगे, चीकू को भी कुछ खिलाएंगे, उसकी भी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है और इसी वजह से कोई शायद आपको नया वीडियो या अपडेट नहीं मिल पाएंगे। आज हो गई है 26th ऑफ अप्रैल। चीकू के लिए सिंपल रवा कुक करके बनाया है, रोज़ किया कुकी और ये फॉर्मूला मिल्क। इसे चीकू 9 मंथ्स की हुई है, वो वॉक करती रहती, कुछ ना कुछ सपोर्ट लेकर के खुद से वॉक करती और आजकल तो ये छोटा वाला स्टूल है एंड अनिका की चेयर है, उसे पकड़ करके खिसका खिसका के वॉक करती जाती है। उसके लिए वॉकर की आगे इस चीज़ से कोई लिमिट ही नहीं है, उसे हर चीज़ चाहिए, वो कुछ भी पकड़ के वॉक करने लग जाती है, मज़ा आता है उसे। आप कहाँ जाना है? अब बालकनी में जाना है क्या? नहीं, ये मेरा बच्चा चेयर के साथ भी वॉक करता है, इसको वॉक कर ही नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ मिल जाती है उसको पकड़ के ऐसे खिसकाते हुए वॉक करने लगती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरा बच्चा। बस 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 हो गया टन। Where's your apple? Show me where's your apple? वो देखो, वो नीचे है और ये देखो, उनको फ्राइज खाना है। आज मेरा बेटा फाइनली एक्टिव है, फाइनली उसने कुछ खाया है। पहले एप्पल खाया है, वो नीचे पड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सा पीस, वो पीस खा लिया है। फिर हमने ये ऑर्डर किया तो इसका एक फ्राइज इन्होंने हाथ में ले लिया। Can't help it. गिर गया। वेरी गुड। खा लो। एप्पल खाओ नीचे निकाल के। अनिका दो उसको एप्पल, दिखा ना, देखो ये खाओ, ये हाँ ये खाओ, एप्पल खाओ। गुड गर्ल। नहीं खाएगी एप्पल, एप्पल नहीं खाती है। करके बताओ अनिका उसको। अरे प्लीज, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, प्लीज एक बाइट दे। गुस्सा, ओह आई सॉ द गुस्सा उसका। हर बार मेरा बर्थडे मनाते हैं, खुद खा लेते हैं लोग। व्हाट इज दिस खुशु, व्हाट इज
मिल गया। देख कैसे रही अनिका को। इधर देखो अनिका, अनिका ऐसा लग ही नहीं रहा कि वैक्सीनेशन करा कर आए इनको। देखो तो जरा। हाँ ओ अच्छा, मेरे बैग की चेकिंग हो रही है क्या क्या रखा है मेरे बैग में। हाँ सो चिकू को आज दो डिफरेंट वैक्सीनेशन हुए हैं, एक तो MMR का था और एक हेपेटाइटिस बी का बूस्टर डोज लगा है आज। देखते हैं अभी और क्या होता है, अभी तक तो नॉर्मल है। इंजेक्शन लगा था तो बहुत रोई थी, उसके बाद से नॉर्मल है। हमने तुरंत ही उसे डाइवर्ट किया और तब से वो नॉर्मल ही है। और अब ये पेनलेस वाला इंजेक्शन नहीं होता, सब नॉर्मल इंजेक्शन होते हैं जो स्टार्टिंग के 6 and 1 वाले होते हैं ना, सिर्फ उनमें ही पेनलेस आई हुई है वैक्सीन और बाकी सारे नॉर्मल इंजेक्शन है। बिल्कुल बेसिक जैसे इंजेक्शन होता है ना, जैसे अगर ब्लड टेस्ट करना है या कोई टेस्ट करना तो एक इंजेक्शन लगता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये इंजेक्शन्स भी होते हैं जो कि बेबी को लगाए जाते हैं। रख दो, लाओ मैं रख दूँ, रख दो इसको यहाँ पे रख दो। अच्छा चाहिए नहीं, नहीं इसमें है ना, इसमें टॉय है आपका, इसमें टॉय है। ओह आई गॉट इट, ये लो ये लो ये लो। सो गाइस मैं आपको बता रही थी कि 100 के हमारे चैनल पर होने वाले हैं सब्सक्राइबर्स, हम पूरे करने वाले हैं। बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए और बहुत ही बड़ी बात है। सो इसके लिए हम रख रहे हैं गिवअवे, मैंने बहुत पहले ही बता दिया था आपको इस बारे में। एंड बहुत जल्दी इसके जो रूल्स हैं, किस तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या होगा, जो भी डिटेल्स होंगी, रूल्स तो नहीं होंगे लेकिन कुछ डिटेल्स होंगी जो आपको ध्यान में रखनी है, फॉलो करते रहना है, और वो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे अपडेट कर दूंगी। एंड ऑल्सो सेपरेट वीडियो भी कोशिश करूंगी एज सून एज पॉसिबल शेयर कर दूं। दैट्स इट गाइज, और प्लीज़ 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 हमारे चैनल पे बने रहिएगा। अभी तक आप सब हमारे साथ हैं, जो लोग फ्रॉम द बिगिनिंग हमारे साथ हैं उन सभी लोगों को दिल से शुक्रिया, दिल से थैंक यू। आप हैं तो हम हैं, आप हैं तभी तो हमारे कंटेंट इतना ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। एंड जो चीज़ मेरी पर्सनल चीज़ हुआ करती थी कभी कि नहीं यार अपने लिए बनाना, अपने लिए करना, आज वो आप सबकी हो चुकी हो और ऐसा लगता है कि नहीं यार हम सब एक फैमिली, हम सब साथ में हैं और हम सब साथ में एंजॉय कर रहे हैं। मेरा दिन का कोई भी हिस्सा बिना आपके पूरा नहीं होता, बिना आपसे बात किए पूरा नहीं होता, आपसे कुछ बताए पूरा नहीं होता है। एंड दैट्स वाई आई फील सो एनर्जेटिक, दैट्स वाई आई फील सो यू नो अमेजिंग वाली फीलिंग जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। आप जानते हो मैं कितनी इमोशनल हूँ और भावनाओं में बह जाती हूँ, ये मेरा है। चलो भाई हमारे दोनों बच्चे, हमारा बच्चा कुछ कहना चाहता है। What would you? मेरे बर्थडे को सिर्फ एक ही दिन बचा है, only one day. I am so much happy and in 7th day my nana is coming and my nanny is coming to my home. Yay! Happy birthday girl, happy birthday girl, happy birthday girl, birthday girl, birthday girl, birthday girl. Bye. Okay, chalo, bye 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 bye. येलो येलो बनाना। सो फाइनली हमारा फोन बन के आ चुका है, मुझे लगा कि शायद एक दो दिन लगेंगे इस काम में, लेकिन यार ये तो बड़ा जल्दी बन गया। ओह गॉड फाइनली अपने आप को सेल्फी में देख करके, यानी कि रेयर कैमरे में देख करके, आई एम फीलिंग गुड, ये फाइनली मैं व्लॉग बना सकती हूँ। चलो ओके, सी यू लेटर।